Okay, hello everyone and welcome to my YouTube channel which is known as Sisters Academy. So guys, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले नीचे जो रेड बटन दिया है आप उसको सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा, ठीक है. सो ये हमारा इंडियन लॉजिक का जो है पार्ट 3 है. इसमें हम लोग अनुमाना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ प्रमाणास. अब हम लोग अनुमाना के बारे में आगे पढ़ने वाले. सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अन अकेडमी में पढ़ाती हूँ एंड जब भी आप लोग प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड. गाइस, मेरा रेफरल कोड जो है वो आप लोग जो है यूज करना मत भूलना. जैसे ही आप ये यूज करोगे आपका जो भी टोटल बिल होगा ना उस पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा विच इज अ ह्यूज डिस्काउंट. सो प्लीज डू टेक इट, ठीक है. एंड ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. ओके, ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज टाइप ऑफ प्रमाणास. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना. चलिए पढ़ते हैं. कई से जितने भी टॉपिक्स है ना ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है. एक एक कर एक एक आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इस बार जितने भी क्वेश्चन आए थे ना वो सब के सब मेरे नोट से फंसे थे, ठीक है. सो ये रिलायबल डेटा है, उसके ऊपर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो, ठीक है. लेट्स बिगिन विथ स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना. लेट्स सी, इन संस्कृत इन्फ्रेंस इज नोन एज अनुमाना, ठीक है. संस्कृत में इन्फ्रेंस को हम लोग अनुमाना बोलते हैं. मैंने बताया था ना अनुमान हम लोग ने अभी पहले पढ़ा था, उसको हम लोग अजम्पशन भी बोल रहे थे, उसको इन्फ्रेंस भी बोल रहे थे, ठीक है. सो अनुमाना इज द सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्याय व्योका स्कूल. सो गाइस, न्याय व्योका स्कूल के अकॉर्डिंग अनुमाना जो है एक सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है. मतलब ये एक ऐसा दूसरा सोर्स है जिससे आप एकदम करेक्ट नॉलेज जो है हासिल कर सकते हो, ठीक है. अनुमाना इज अ मेडिएट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज. गाइज, ये एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है. गाइज, ये प्लीज कीवर्ड्स अपने पास रखना. NTA-UGC नेट एग्जाम के लिए कीवर्ड्स को लर्न करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. अब गाइज, अनुमाना जो है वो दो वर्ड से मिलके फॉर्म हुआ है, दो वर्ड्स को मिलके फॉर्म हुआ है, ठीक है. दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है अनु एक है माना, ठीक है. अब अनु का मतलब क्या होता है, विच मीन्स आफ्टर, ठीक है. एंड माना का मीन्स क्या होता है, विच मीन्स नॉलेज, ठीक है. सो इसका कॉम्बिनेशन क्या हुआ, दैट इज आफ्टर नॉलेज. ओके, अनुमाना इज आफ्टर नॉलेज. ये एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है अकॉर्डिंग टू न्याय व्यू का स्कूल के अकॉर्डिंग. ये सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है. देन अनुमाना को हम लोग ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब इन्फ्रेंस होता है या अजम्पशन होता है, ठीक है. सो ये सारी चीजें थी. अब लेट्स टेक द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. गाइस, अब जितना भी आगे चल के हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना वो पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है. जो एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा है ये आप ना कहीं अपने सिलॉग्स से रिलेट कर पाओगे, ठीक है. जैसे सिलॉग्स में आपके प्रपोजिशन होते हैं ना, सेम ऐसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल. गाइज, आप लोग रट लेना, इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे आप लोग पूरा इंडियन लॉजिक समझोगे, ठीक है. क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना मुश्किल है इसको, आप एग्जाम्पल से इससे एकदम तुरंत समझोगे, ठीक है. लेट्स सी, आपने क्या देखा, द हिल इज फायरी. क्यों, क्योंकि बिकॉज द हिल इज स्मोकी, ठीक है. तो हिल जो पहाड़ है, ठीक है, हिल मीन्स व्हाट, पहाड़. हिल इज फायरी मतलब पहाड़ में आग लगी है. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहाड़ से धुआं निकल रहा है, ठीक है. आप भी अपने घर में हो, अपनी छत में होते हो, आप देखते हो ना दूर कहीं, कई बार हम लोगों के साथ सबके साथ ऐसा हो चुका है कि आपने देखा होगा दूर से कहीं धुआं निकल रहा है जोर जोर का, तो आप क्या उससे अज्यूम करते हो, क्या नॉलेज गेन करते हो कि वहां पे धुआं है तो जरूर वहां पे आग लग गई है लगता, यही होता है ना. तो यही चीज हम लोग आगे देखेंगे. लेट्स सी, नाउ व्हाट एवर हैज फायर हैज स्मोक. कि ऑफकोर्स जहां पे भी आग लगी होती है वहां पे धुआं जरूर उठता है, ठीक है. So in the above example, we pass from the perception of smoke in the hill to the knowledge of the existence of fire in it on the grounds of a previous knowledge of the universal relationship between smoke and fire. So guys, जहाँ पे भी हम लोग स्मोक देख रहे हैं वहां पे हम लोग क्या डिराइव करते हैं कि जरूर वहां पे आग भी लगी होगी. कैसे, क्योंकि हमें पता है, हमें नॉलेज है कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है स्मोक एंड फायर का, कि दोनों चीजें जो है वो हमेशा साथ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है. हमें पता है कि जहां पे भी धुआं होगा वहां पे आग जरूर लगी होगी, ठीक है. ये यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा नहीं कि हम लोग को किसी ने बैठ के पढ़ाया है, ये हम लोग ने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, ठीक है. चलिए अब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ इन्फ्रेंस, ठीक है. कुछ एलिमेंट्स बोल सकते हो आप. कई से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैं बताऊं. इसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है.
एक जगह आप लिखो लाइक संस्कृत वर्ड, एक जगह लिखो हिंदी वर्ड, या फिर चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है. एंड एक जगह लिखो आप इंग्लिश वर्ड और एक जगह लिखो एग्जाम्पल, ठीक है. ये जो एग्जाम्पल है ना हिल ऑफ फायर का, वो कहाँ सेट हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. चलिए, सो प्लीज इसमें कॉलम्स बना लेना ताकि आप हर एक वर्ड का हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड, संस्कृत वर्ड एंड एग्जाम्पल में वो वर्ड क्या है ये सब लिख सको, ठीक है. लेट्स सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्फ्रेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं इसका चार्ट बनवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप बार बार पैरा तो पढ़ोगे नहीं, इट विल बी डिफिकल्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इट मे बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अबव एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्रेंस द प्रेजेंस ऑफ फायर ऑन द परसेप्शन ऑफ स्मोक, ठीक है. तो हम लोग क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्मोक दिखा इसलिए हमें पता है कि वहां पे फायर है, ठीक है. सो वंस व्हेन वन सीज स्मोक ऑन अ डिस्टेंस हिल वन रिमेंबर्स वन एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस दैट इज व्याप्ति बिटवीन स्मोक एंड फायर एंड कंक्लूड्स दैट देयर इज फायर ऑन अ डिस्टेंस हिल. सो गाइस ये आप अपने ऊपर रख के देखो, ठीक है. अब आपने देखा कि कहीं से धुआं निकल रहा है, तो आप लाइक जो आपको पता है, ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो आपको पता है कि हाँ एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है. गाइस यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस मतलब कि यूनिवर्सल रिलेशनशिप, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, व्याप्ति, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें पता है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि स्मोक और फायर के बीच में ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से हम कंक्लूड करते हैं कि वहां पे जरूर आग लगी होगी, ठीक है. सो पहली चीज क्या आई, यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस क्या है, व्याप्ति, ठीक है, व्याप्ति. और एग्जाम्पल के थ्रू आप लिख सकते हो लाइक रिलेशनशिप बिटवीन स्मोक एंड फायर, ओके. आगे देखते हैं, अब और टर्म्स आ रहा है लाइक अब जो एग्जाम्पल है उससे हम लोग तीन पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, ठीक है. तीन चीजें आपको दिख रही हैं गाइस इस एग्जांपल में, एक तो हिल दिख रहा है, एक फायर दिख रहा है और एक स्मोक दिख रहा है ना. तो हिल, फायर, स्मोक, इनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. लाइक फर्स्ट देयर इज अ परसेप्शन ऑफ अ मार्क और रीजन, ठीक है, मतलब जिस चीज से, जिस ऑब्जेक्ट से हम लोग चीजों को परसीव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मार्क और रीजन, संस्कृत में हम लोग उसको हेतु बोलते हैं, ठीक है. हम लोग परसीव किससे कर रहे हैं गाइस, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मोक से, ठीक है. इज इट क्लियर, आई होप कि कोई डाउट नहीं है, बताओ मुझे. नहीं आपको क्या बताऊंगी, बता नहीं सकते हो, ठीक है. देन नेक्स्ट क्या है, देन सब्जेक्ट है, मतलब जहां पे आपने वो चीज देखी दैट इज हिल, ठीक है. इज इट क्लियर, ये अलग आप लोग लिख लो नेक्स्ट कॉलम में. एक जगह आपने लिखा मार्क और रीजन, जो आपका हेतु है स्मोक, जिसकी वजह से जो देख के आप परसीव कर रहे हो. एक है आपका सब्जेक्ट, जहां पे आप देख रहे हो लाइक हिल, ठीक है. एंड थर्ड क्या है, दैट इज अनपरसीव्ड ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपने देखी नहीं है, दैट इज फायर, ठीक है. इन द सब्जेक्ट, कहां लगी आग, हिल में, सब्जेक्ट हिल है हमारा, ठीक है. सो फायर इज व्हाट, फायर इज अनपरसीव्ड ऑब्जेक्ट. अब फायर को संस्कृत में क्या बोलते हैं एंड जो भी वर्ड्स मिसिंग है आपके टेबल में वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है. लेट्स सी नाउ, थ्री टर्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इन्फ्रेंस दैट दे आर पका, साध्य एंड हेतु. सो गाइस हेतु का तो मतलब आप समझ चुके हो, क्या समझा था आपके, व्हाट इज हेतु, हेतु इज स्मोक, राइट, ये तो मैंने आपको बताया था. देन द कैरेक्टर विच इज इन्फर्ड, जो आप इन्फर कर रहे हो उसको हम लोग साध्य बोलते हैं, दैट इज फायर. लिखिए साध्य किसको बोलते हैं, फायर को बोलते हैं, ठीक है. जो मार्क होता है जिसको हम लोग हेतु बोलते हैं वो क्या है, हमारा स्मोक है. एंड जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, पका या पक्सा, प्लीज दोनों आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि मैंने जहां से उठाया था वहां पका भी लिखा पक्सा भी लिखा. अब जो भी करेक्ट होगा अब वो टिक कर देना अपने एग्जाम में, ठीक है. हिल जो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होता है एंड संस्कृत में क्या होता है, पका या फिर पक्सा, ठीक है. अब इसमें मेजर, माइनर एंड मिडिल टर्म्स भी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, लाइक जैसे आपके सिलॉग्स में होते हैं. ओके गाइस, अब देखते हैं आगे क्या है, तीन और स्लाइड्स हैं. नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, फाइव मेंबर्स ऑफ इंडियन सिलॉग्स, ठीक है, फाइव मेंबर्स ऑफ इंडियन सिलॉग्स पढ़ेंगे हम लोग. वो क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यव्यस, अव्यव्स, ठीक है. लिखिए फाइव मेंबर ऑफ इंडियन सिलॉग्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यव, ठीक है. ये क्या है, प्रतिज्ञा, दैट इज प्रपोजिशन, जैसे सिलॉग्स में होता है ना हमारा प्रपोजिशन होता है, कंक्लूजन होता है वैसे. देन हेतु, दैट इज रीजन, हेतु मैंने क्या बताया था, स्मोक. फिर उदाहरणा, दैट इज एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब जो एक्सपीरियंस के थ्रू जो है हम लोग गेन करते हैं नॉलेज. देन उपन्या, दैट इज एप्लीकेशन. एंड निगामना, दैट इज डिडक्शन,
ओके तो ये पांच स्टेप्स होते हैं लाइक जब जैसे ही लाइक हमने आग देखी फिर उससे हमने क्या सोचा उससे क्या कंक्लूड किया तो ये सब हमारा पांच स्टेप्स में है। ये फाइव स्टेप्स है हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एक एक करके हम लोग करते क्या है जब भी कोई चीज देखते हैं परसीव करते हैं ठीक है सो अज्यूम करते हैं ना ये पांच है सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रतिज्ञा है हमारा दैट इज प्रपोजिशन ठीक है प्रपोजिशन क्या है प्रतिज्ञा मतलब कि हिल में आग लगी है ये हमें प्रूफ करना है ठीक है हिल में आग लगी है तो क्यों लगी है बिकॉज इट हैज स्मोक क्योंकि इसमें धुआं उठ रहा है दैट इज हेतु नाउ अब उदाहरण है कि जहां पे भी स्मोक होता है वहां पे फायर होती है ठीक है ये उदाहरण है लाइक अवन लिखा है यहाँ पे ठीक है देन उपान्या क्या है दैट दिस हिल हैज स्मोक हैज होगा ये गाइस विच इज इनवेरिबली एसोसिएटेड विद फायर फिर हम लोगों ने देखा कि हाँ यहाँ धुआं निकला है तो मतलब ये फायर से फायर होगा वहां पे ठीक है दैट इज उपान्या इसको उपान्या को हम लोगों ने क्या बोला था हम लोगों ने एप्लीकेशन किया मतलब जो हमें यूनिवर्सल रिलेशनशिप के बारे में पता था उसको हमने अप्लाई किया एंड फाइनली हमने डिड्यूस करा कंक्लूड किया जो भी बोलो फाइनली हमने कंक्लूड किया देयरफॉर दिस हिल हैज फायर दैट इज निगामना आई होप कि क्लियर है ओके ये फिर से वही चीज लिखी है जो हम लोग ने यहाँ पढ़ा है ठीक है सो एक प्रपोजिशन है जैसे आपका सिलॉक्स में होता है दैट इज दिस हिल हैज फायर फिर क्यों है फायर क्योंकि वहां पे आग लगी है जिसको हेतु बोलते हैं फिर हमें अपना पास्ट एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि हाँ जहाँ धुआं होता है वहां आग लगती है ठीक है फिर हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कि वहां पे धुआं उठा है तो जरूर पहाड़ में आग लगी होगी ठीक है फिर फाइनली हम उससे कंक्लूड करते हैं कि हाँ वहां तो आग लगी ही है ठीक है सो आई होप गाइस कि ये भी क्लियर है आपको एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें सो विद दिस वी कंप्लीट विद लाइक कौन सा पार्ट मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको अनुमाना ओके गाइस सो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए थैंक यू